शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी नशा होगा। शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला के अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ी इस भीड़ को देखकर शहीदों के सम्मान में लिखी गई ये पंक्तियां साकार हो उठी। अड़तीस साल बाद जब इस वीर सपूत का पार्थिव शरीर हल्द्वानी में उनके आवास पर लाया गया तो शहीद चंद्रशेखर हरबोला की एक झलक को पाने के लिए लोग बेताब दिखे। रास्तों में लोगों को जगह नहीं मिला, लोगों ने मकानों की छत पर खड़े होकर इस वीर सपूत को नमन किया। शहीद को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी की आंखें नम हो गई। सेना के अफसरों से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शहीद के परिवार वालों से बात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही सीएम ने सैन्य धाम में शहीद की स्मृतियों को सजोकर रखने का भरोसा परिवार को दिया। अल्मोड़ा जिले के निवासी चंद्रशेखर हरबोला 19 कुमाऊ रेजिमेंट के लांस नायक थे। वो 1975 में सेना में भर्ती हुए। 1984 में भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन के लिए झड़प हुई, जिसके बाद जवानों की एक टुकड़ी पेट्रोलिंग के लिए भेजी गई, जिसमें चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। मगर 20 जवानों की ये टुकड़ी बर्फीले तूफान की चपेट में आ गई और 5 जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन 38 साल बाद जब चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर उनके घर पहुंचा तो पत्नी शांति देवी और बेटियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। मैं तो टूट चुकी थी हमारी, पर अब कहीं पे सही लग रहा है कि हम अपने हाथों से उनका कर पाएंगे, पर दुख भी हो रहा है क्योंकि हम भूल चुके थे, घाव फिर से रिपीट हो रहा है। अंतिम दर्शन के बाद जब लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला का पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया, तब उनके शव को कंधा देने के लिए भी रास्ते के दोनों ओर लोगों की कतार लग गई। शहीद के सम्मान में किसी ने फूल बरसाए तो किसी ने भारत माता की जय के नारे लगाए।